अंदर बिस्तरे बिस्तरे सारा जो जी की फतेह। मैं पुरखू गढ़ी पुंछी महल का रहने वाला हाँ। इतने महल का तकरीबन इंचार्ज भी हाँ। तो असी इतने प्रोग्राम चल रहा सी महल के सारे ही उत्थे गए लेकिन बीच सवा दो ढाई के मैसेज आया कि भाई इकबाल सिंह के घर में अग लग गई है। उतों सारे भजे आए तो आन के उन्होंने सारे ने जो भी अपनी पानी राए पाइपां राए मोटर लगिया सन हर घर में मोटर ला के तो पानी अग तो बुझाई लेकिन इन्हों का समान जरा सारा सड़ के राख हो गया कुछ भी नहीं बचा। असी गवर्नमेंट को बेनती करते हैं कि इन्हों की मदद की जाए ताकि चलो कुछ नहीं थोड़ा थोड़ा स्टैंड कर सकन क्योंकि सरदार इकबाल सिंह कोई कामकाज नहीं है घर ही रह रहे हैं। इतनी सारी बेनती है सरकार अगे कि इन्होंने मदद की जाए ताकि ये कुछ ना कुछ स्टैंड कर सकन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार इकबाल सिंह जी पुरखू के रहने वाले पुंछी महल पुरखू मिश्री वाले एरिया इतने असी सारे फंक्शन तो गए सौ पाठ का भोग सी महल के असी उधर गए ही तो मकान बंद से बंद मकान के ही अंदर अग लगी पता नहीं किस तरह लगी कोई शॉर्ट सर्कट होया कुछ भी कह सकते हो रीज़न पता नहीं है हम अग लगन का क्यों सामने नहीं आया करता। समान समूरा अंदर सारा डेमेज हो गया सारा खत्म हो गया बिल्कुल डाइनिंग टेबल कुर्सियाँ टेबल जो साढ़े सामने ही तुम देख सकते हो कपड़ा नकदी कैश उस सोना सी अंदर कुड़ी ने रखा था 2 लाख रुपया कैश भी रखी दी सी उसे मिस्त्री लेबर काम लगा ही पैसे देने से उन्होंने वो भी रखे सी सारा कुछ रखे सब सब चीज़ खत्म हो गया अंदर अग लगी भांबड़ बचे से बड़ा जोरदार अग का सारे अफड़ा तफड़ी कि किसी ने मैसेज किया इतों कहते जी अग लगी अं दौड़े गए उधर उधरों वापस आए दौड़े अगे बहुत ज़्यादा अग लगी थी जी कि मतलब ना बुझाने वाली अंदर सारे अफड़ा तफड़ी पै गई हाथ से भी लग गई कि सूँ कच से लग्या वो पूरा अंदर सब कुछ अंदर गए फिर जाके अग बुझाने लगी अग तो बुझी है लेकिन समान सारा सड़ गया समान तो कुछ भी नहीं बचा तकरीबन तकरीबन समान सारा सड़ गया तो काफ़ी नुकसान हो गया इन्हों का तो बेचारे काम काज भी नहीं घर ही रहेंगे काम काज तो है नहीं है। चलो असं यो सरकार को कहते हैं कि चलो कुछ ना कुछ साड़ी मदद की जाए ज़्यादा तो नहीं मंगते जिन्ना भी हो सकता है साड़ी कुछ ना कुछ मदद की जाए अभी तो द्वारा घर अपना सीधा करना चाहते हैं। ये मेरे सहुरे का घर है सरदार इकबाल सिंह जी।